हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, कल देर रात बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से कर दिया है। एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है चुनाव नतीजों पर बिहार में किस तरह पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, कैसे एक दूसरे को जीत की बधाइयां दे रहे हैं। क्या महिला वोटर्स ने एनडीए को एक बार फिर गद्दी पर बैठाया? क्या एनडीए को पड़े महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी वजह बने हैं? मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, गर्दा बा, विकास के सरकार बा, विकास के सरकार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। क्या बिहार की महिलाओं ने तेजस्वी का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए महिलाओं को जीत के लिए शुक्रिया कहा। बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। यह आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। सबसे पहले समझिए कि बिहार में हुए तीन चरणों के चुनाव में किस चरण में कितनी वोटिंग हुई और इसका क्या असर पड़ा। पहले फेज की 71 सीटों की वोटिंग में कुल 55.68% वोटिंग हुई, जिसमें 56.83% वोट पुरुषों ने और 54.41% वोट महिलाओं ने दिए। अब इस फेज के नतीजे देखिए। यहां एनडीए को 22 सीटें जबकि महागठबंधन को 47 सीटें मिली, जबकि दूसरे और तीसरे फेज में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही और इसका असर ये हुआ कि एनडीए ने दूसरे और तीसरे चरण में 103 सीटें हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियों में जंगल राज की याद दिला रहे थे, लालू राबड़ी के राज की कमियां गिना रहे थे। इसका असर महिला वोटर्स पर पड़ा, ऐसा साफ दिखाई भी दे रहा है। जंगल राज के युवराज, क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की याद दिला रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार पिछले 15 साल किए महिला कल्याण के कामों को प्रमुखता से गिना रहे थे। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियां स्कूल जाना शुरू की और हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। और उसके बाद जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। सर के आगे पढ़ना चाहे, अगर घर में गरीबी है तो उसको 4 लाख रुपए तक की सहायता, सब लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ, स्वयं सहायता भत्ता योजना, महिलाओं को और सरकारी सेवा में आरक्षण 35%। तो ये नीतीश कुमार की जीत में बहन बेटियों की भूमिका, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जो बिहार से मौजूद हैं, एक एक कर आपका परिचय कराते हैं। पंकज झा जो हैं वो सीएम आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा प्रशांत एलजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, निधि हमारे सहयोगी तेजस्वी यादव के घर के बाहर से आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही रणवीर कांग्रेस अध्यक्ष के घर से हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सबके पास जाएंगे लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं यहाँ स्टूडियो में, उनसे ही बात कर लेते हैं। अभी जो हमने खबर दिखाई वो खबर थी कि किस तरह से महिलाओं ने बाजी पलट दी और प्रधानमंत्री ने खुद जीत का सहरा इन महिलाओं के सर बांधा। अभय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे जी, इस जो ये जो इबारत थी इसको एग्जिट पोल पढ़ने में क्यों नाकाम रहे, जबकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि महिलाओं ने ही सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा मतदान किया, घर से निकलकर आगे निकली, उसके बाद भी एग्जिट पोल फेल रहे इस इबारत को। एग्जिट पोल बहुत से नाकाम रहे हैं लेकिन कुछ एग्जिट पोल कामयाब भी रहे हैं, जैसे कि एबीपी का जो एग्जिट पोल था मुझे लगता है वो असलियत के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा, बस उसमें एक फर्क रह गया कि उन्होंने बढ़त, कुल मिला के बढ़त जो है वो महागठबंधन को दिखाई थी, लेकिन आमतौर पर जिस तरह की करारी टक्कर दिखाई थी उन्होंने
वैसी ही करारी टक्कर हुई, लेकिन वोट परसेंटेज में एनडीए को बढ़त दिखाई, हाँ, वो भी हुआ। जी हाँ, वो भी हुआ। और महागठबंधन एक, ये भी कह सकते हैं महागठबंधन एक सीट से सबसे बड़ा दल बन गया, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो सी वोटर और एबीपी का जो पोल था वो पोल काफी कुछ सही साबित हुआ है। दूसरे एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुए हैं, जिन्होंने 160 सीटें दी थी, एक एग्जिट पोल ने तो 180 सीटें दी थी, तो उन सब लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनसे क्या गड़बड़ियां हुई। मुझे लगता है कि बिहार में जो हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो शोरगुल हो रहा था बहुत ज्यादा, और खासतौर से महागठबंधन के का जो समर्थन आधार है जिसको हम लोग MY कहते हैं, मुसलमान यादव समर्थन आधार कहते हैं, उसकी तरफ से जो दावेदारियां की जा रही थी बहुत जोरदारी से, उससे बहुत बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। हम और प्रदीप जी जब वहां पर थे तब वो कोलाहल हम लोगों ने भी देखा, और हम लोग कोलाहल के बीच और कोलाहल के बीच में भी रहे। वो शांत वोटर जो मन में जो ठान लेता है वो करता है, उसको शायद पढ़ पाने में सब नाकामयाब रहे। सर मुझे लगता है पहले जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं दर्शकों को, जल्दी से सबसे पहले पंकज जाकर रोक कर लेते हैं और जानते हैं पंकज से कि क्या नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने आएंगे, ऐसी कोई चर्चा है? नहीं, अभी इस बात की कोई चर्चा नहीं है रोमाना। कल देर रात तक ये जो नीतीश कुमार का घर है, सरकारी बंगला, और यहाँ पर देर रात तक बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई, फिर उसके बाद जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक हुई। आज फिर 11 बजे उन्होंने जेडीयू के सीनियर लीडर्स को बुलाया है। सबसे पहले CLP की बैठक होगी, पहले बीजेपी की, जेडीयू की अलग अलग होगी, उनके विधायक दल की बैठक, फिर एक ज्वाइंट विधायक दल की बैठक होगी। ये जो बगल में राजभवन दिख रहा है जो बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे होगा मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले के, वहां इस्तीफा देंगे। फिर बात आएगी कि शपथ कब होगा, ये बताया जाए, अभी उसके बारे में वक्त और तारीख नहीं तय हुआ है, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही कि आज जब सारे फार्मूले तय हो जाएंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने मन की बात मीडिया से साझा करें।